तो बोले हाउ आर यू। हाउ आर यू आता है मेरे को। तो दोस्तों सुबह सुबह का 10 बज रहा है और बाहर का मौसम देख सकते हो, धूप है, गाड़ी वगैरह लगी है, यहाँ पे साफ है, साफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये रहे हमारे जमाल भाई जो कि नाश्ता लेकर के आए हैं हमारे लिए। ठीक है, अभी मैंने कंबल भी सही नहीं किया है, सो के उठा बस ब्रश किया हूँ। तो ये रहा पराठा सब्जी। जगाया मैंने हूँ भाई, अभी सो के उठे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल जावेद व्लॉग्स। तो भाई क्या हाल है, कैसे हो आप लोग, ठीक हो? फाइनली 3 दिन 4 दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है क्या? हाँ, 4 दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है। रीजन वाइज जमाल भाई थे नहीं तो यार मजा ही नहीं आ रहा था घर में, क्या करूँ, अकेले अकेले कुछ भी पका रहा हूँ, खा रहा हूँ, चाउमीन बना के खा रहा हूँ, मैगी बना के खा रहा हूँ, अकेले अकेले यही खाना था। तो जमाल भाई परसों रात में आए थे, तो कल भी भाई जुमेरात था, कल बीफे था, तो कल भी अच्छा खासा काम था। तो आज जुमा है और वीडियो आप जुमा को ही देखेंगे इंशाल्लाह। और वो रहे हमारे जमाल भाई, अभी खाते हम लोग साथ में खाना, तो फ्रेश हो चुके हैं फिलहाल, मुंह धोया, अभी नहाना बाकी है। लोग अभी चाय बन रहा है, गर्मा गर्म चाय, और इसमें चावल धो के रखे डाल दिए हैं, जितना पानी देख रहे हो इतने पानी में ये चावल फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इधर हमारे जमाल भाई, चलो जमाल भाई पब्लिक को सलाम वालेकुम, क्या हाल है, 4 दिन के बाद देखे भाई, हम लोग तो वीडियो ही, मैं तो वीडियो नहीं डाल रहा था चैनल पे, क्या करें, अब चले गए थे मजमा तो क्या करेंगे यार, ठंडी है उधर बहुत ज्यादा, इतना ठंडा है कि सुबह है, वो नल चालू करने पर धीरे धीरे पानी आ रहा है, पता चला कि अंदर पूरी बर्फ जम गई है, थोड़ी धूप हो रही जब उसके बाद सही पानी आ रहा है, इतना ठंडा है। अच्छा 4 दिन कैसा लगा वहाँ पे? अरे बहुत बहुत बहुत, इस बार मजा नहीं आया, बहुत ठंडा है यार, मजा नहीं आया। बाकी जवान भाई अभी देखो लाए हैं, ये रहा छोले, छोले है ये चने, और ये रहा पराठा। तो चलिए खाते हैं फटाफट, इसके बाद बनाएंगे हम लोग आलू की सब्जी इंशाल्लाह। नाश्ता हो चुका है और चाय पीने का टाइम आ गया है, सुबह सुबह यार नहीं रहा जाता बिना चाय के। उधर जमाल भाई को तो आपको पता है, कल रात के 12 बजे 2 बजे चाय बना करके दिया हूँ, 2 बजे रात के 2 बजे भाई को भूख लगी, मुझे भी भूख लगी, बनाया मैगी उनको भी दिया, मैं भी खाया, चाय पिए दोनों भाई। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी ओल्ड लाइफ की, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, उसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी अभी बना रहे हैं खाना, आलू का सब्जी, चावल बनाएंगे, दाल ऑलरेडी हमारे पास में है। तो माफ़ी चाहूँगा यार 3-4 दिन का वीडियो आ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, हम लगातार काम काम, और एक घर में होता ना जमाल भाई रहते हैं तो कुछ अलग फीलिंग रहती है, अकेले में मज़ा नहीं आता यार, कसम से नहीं आता मज़ा, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। अब मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं जब मैं नहीं रहूंगा तब ये कैसे रहेंगे। खैर चलो कोई नहीं, भाई को देखो आलू ये छीलना लेके बैठा दिया हूँ, साथ में चाय पी रहे, साथ में चाय पी रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। आलू अगर आपको छीलने नहीं आता है तो सीख लो, देखो कैसे छीला जाता है, ये भाई ने मेरे को सिखाया है, देख रहे हो। पब्लिक को पता है भाई आलू कैसे छीलते हैं। अच्छा तो जमाल भाई आप कब से गाड़ी चलाना शुरू किए, आपका लाइफ का सबसे पहला स्टार्टिंग कब से हुआ जो गाड़ी, मतलब कि पब्लिक जानना चाहती है, 2004 में पब्लिक जानना चाहती है कि जमाल भाई का शुरू से सच्ची बताइए। मैं जिस स्कूल में था मैं, तो वहां पे जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे वो खरीदे थे गाड़ी मार्शल रॉयल 2004 में। अच्छा, और उसी के बाद मेरी भी इच्छा थी गाड़ी लेने की, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा चलाना सीख ले, थोड़ा आइडिया रहेगा तो सही रहेगा। वो सर उनके सर जी के साथ ही चलता था मैं ज्यादातर, कहीं भी हम लोग जाते थे साथ में ही जाते थे, तो उसी से समझो कि 2004 से मैं चलाना सीखा गाड़ी। अच्छा, उसके बाद फिर अपनी गाड़ी लिए, और उसके बाद 2006 के लास्ट में नवम्बर में अपनी गाड़ी पहली लिया, मैं पहली वही गाड़ी लिया जिस गाड़ी से मैं चलाना सीखा, हमारे पुत्र साहब वाली मार्शल रॉयल जो थी वही लिया मैं। चलिए सही है। बाकी आप कितने भाई हैं? मैं अकेला हूँ। अकेले हैं? आपका घर कहाँ पड़ता है? कुशीनगर जिला में, एक मतलब जिला तो खैर कुशीनगर के नाम से है, मगर वहाँ हमारे जिले का टोटल काम जो होता है पटौना नाम का जो शहर है, हाँ।
वहाँ होता है। मतलब कि कुशीनगर जो मेन सिटी है वहाँ से कितना दूर है आपका घर? कुशीनगर मेन सिटी जो है ना वहाँ से समझो कि आप कम से कम लगभग 25 से 30 किलोमीटर। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? 2000 में। आपके कितने बच्चे हैं? 3। अच्छा, 3 बच्चे, 2 बेटी एक बेटा। तो बेटी अभी कौन से स्कूल में, कौन से क्लास में? बेटी इस साल बीएससी फाइनल ईयर है उसका, दूसरी वाली। और जो उससे छोटा लड़का है, अच्छा, उसका 11th है। गधेड़ा। अच्छा, उसके बाद? और सबसे छोटी बेटी है, उसका 9th है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। अम्मी पापा है आपके? सऊदी आपको कौन भेजा, क्या जरूरत था सऊदी आने का, ये बताइए भाई। सऊदी आने की देखो ऐसी कोई वो नहीं थी, वो और होता क्या है ना, जब आप इंडिया में गाड़ी बेच के अच्छा पैसा कमा लेते थे। मैंने, सही बात है, तो आप पुराना धंधा मतलब गाड़ी खरीद बिक्री करने का कब कैसे स्टार्ट किया? मैं जब गाड़ी शुरू में खरीदा था 2006 में, तो 2006 में खरीदा, उसके बाद समझिए कि 2007 के बाद से पब्लिक, चूंकि मेरी एक बड़ी अब अच्छी आदत कह लो या खराब आदत कह लो, मैं सवेरे उठ के मुंह बाद में धोता हूँ, पहले गाड़ी साफ करता हूँ। इंडिया में था तो भी, यहाँ पे भी था तो भी, समझो वही बात। हाँ, ये बात तो है भाई, गाड़ी बहुत सफाई करते हैं भाई। तो अब वो गाड़ी साफ होने के चक्कर में जो है, और चूंकि उसी हिसाब से मेंटेन भी रहती थी, तो किसी को भी अगर गाड़ी खरीदना होता था तो मेरे पास जरूर एक बार आता था, बोलता था भाई गाड़ी अपनी भेज दो यार, हमको चाहिए। अच्छा, तो एक दो बार ऐसा हुआ, थोड़ा सा जो है पैसा अच्छा खासा मिलने लगा, तो थोड़ा सा मन बढ़ने लगा, तो उसी में दिमाग चला गया। हाँ, तो मैंने कहा चलो, तो फिर उसी काम में लग गए। कितना साल किया वो काम? खरीदो बेचो, अरे समझो 7-8 साल। अच्छा फायदा होता था। हाँ, फिर सऊदी कैसे आए? अब सऊदी क्या है कि उसमें क्या है ना कि मान लो कि परमानेंट तो है नहीं। हाँ, वो काम परमानेंट नहीं था। ये नहीं है कि हर महीने आप एक दो गाड़ी बेच ही सकते हो। हाँ, तो कभी कभी थोड़ा सा लटका भी लग जाता था। और दूसरी बात ये थी कि बच्चे अब बड़े होने लगे थे, और पढ़ाई लिखाई में आपको पता है क्या हालत है अपने इंडिया की, कितने पैसे एक नॉर्मल कमाने वाला रहे और 2-3 बच्चे पढ़ने वाले रहे, तो समझो कि सिर्फ बच्चों की पढ़ाई करा ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो है, अभी के टाइम पे तो बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा भाई अभी इससे काम चलेगा नहीं, कुछ ऐसा किया जाए जो मतलब परमानेंट हो। परमानेंट जैसे यहाँ पे हम लोग हैं, तो हम लोग को इतना परमानेंट तो है ना कि चलो महीने का हम लोग को इतना मिलेगा, इतना बचेगा, इतना भेज देंगे, तो ये परमानेंट है करके मैंने सोचा चलो अब चला जाए। तो कब आए आप सऊदी में? 2015 में। वीजा कौन भेजा था और कैसे मिला था आपको वीजा? हमारे साले साहब हैं, बड़े हैं, तो उन्हीं के थ्रू मिला था। कब कितना में वीजा मिला था और कितना पैसा खर्चा हुआ? कोई पैसा नहीं। सिर्फ खर्चा टिकट का, जो टिकट और ऑफिस का जो होता है, कितना लगा था? शायद 36,000। हाँ, तो मुंबई से आए थे आप? हाँ, वो मैं था तो मेरा कार सब लखनऊ से हुआ था, मगर वो बोलता है कि आप ड्राइविंग में जाओगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रायल कर देना पड़ेगा। टेस्ट कराया था। लाइसेंस रहना चाहिए, लाइसेंस था आपके पास में ना? लाइसेंस मेरा 2009 का है। अच्छा, तो फिर जब आप सऊदी में आ गए यहाँ, तो एयरपोर्ट पे लेने कौन आया? मेरे कपिल का लड़का आया। अच्छा, तो सबसे छोटा लड़का है वो आया, और बेचारा ऐसा मोबाइल में मैं पहले फोटो सेंड किया हुआ था, जैसे जिसने मुझे वीजा दिया था उसने बोला था कि अपनी 2-3 फोटो सेंड कर लो व्हाट्सएप पे। अच्छा, मैं फोटो अपनी सेंड किया था, तो वही फोटो लेकर ऐसा मोबाइल देख रहा हूँ, मेरे को देख रहा है, मिला रहा है कि कहाँ है। मिला रहा था, फिर मैं उसको तरफ देख रहा हूँ, तो मेरे को बोलता है जमाल, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, अब क्या बोलूं उसको, मेरे को मालूम ही नहीं है कौन है। तो फिर उसने ऐसा मोबाइल दिखाया, बोलता है अंता कम। अच्छा, क्योंकि उस समय अरबी बोलेगा तो अपने को अरबी क्या मालूम। फिर वो लेके गया, और मैं लेके वो यहाँ से मेरे को लेके गया, तो सबसे पहले यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, जहाँ भी मैं 2-3 दिन जो था मैं मजमा में वहाँ लेके चला गया। एक हफ्ता में वहाँ पे था, एक हफ्ता थे वहाँ पे, तो फिर आप गाड़ी कैसे चलाना सीख गए? जिसने मेरे को वीजा भेजा था वो वहीं का था, मजमा का ही था। अच्छा, मैं जब यहाँ से मजमा गया तो 2 दिन में वहाँ रुका, मतलब मजरे में, उसके बाद वो बंदा आया और कपिल से मेरे बात किया, बोल रहा मैं इसको लेके जा रहा हूँ, कपिल ने बोला ठीक है लेके जा, उसकी अपनी गाड़ी हुई है। अच्छा, पर्सनल, तो वो लेके गया मेरे को, तो उसकी गाड़ी से समझो कि मैं समझो वहाँ पर 3 या 4 दिन उसके साथ था, तो उसको कोई भी काम होता था तो मेरे को ही भेजता था, तभी वो आपको गाड़ी दे दिया चलाने के लिए। बोलता कि अभी तुम 3-4 दिन हो, जब तक मतलब बिल्कुल यहीं पे ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लो। तो सही बात है, और ये भी सही बात है कि अपना कोई साथ में रहेगा तो डर नहीं लगता है।
बगल में कोई सऊदी बैठ जाता तो आता है ना आदमी को, तो भी थोड़ा सा आदमी घबरा जाता, दुमगा जाता है। तो करको भाई के साथ अपन वही 3-4 दिन चलाए, दिमाग एकदम फ्रेश। तो जैसे ही आप स्टीयरिंग पकड़े होंगे तो गियर वाली गाड़ी रही होगी ऑटोमेटिक? नहीं ऑटोमेटिक। तो आपको फर्क नहीं लगा उल्टा स्टीयरिंग? तो थोड़ा सा तो फर्क लगा होगा, किसी को शीशा ही बदल जाता है, साइड उल्टा है, सब कुछ उल्टा है, उल्टा हाथ लगता है ना बस थोड़ा सा, थोड़ा सा एक बार आदत 5-10 किलोमीटर अगर सेट हो गया हाथ तो फिर ठीक है, आराम से। फिर उधर से यहाँ आए तो फिर मैडम से कैसे मिले, मैडम कैसे बात की? नहीं यहाँ पे तो भाई सबको थोड़ा अंग्रेजी आती थी, तो लड़कियां जो थी वो पूछी मेरे से की इंग्लिश आती, मैंने कहा अच्छा, जबकि नहीं आती थी, सीख गए थे थोड़ा बहुत, बोलते बोलते ऐसी नहीं आती थी। अच्छा बोलिए हाउ आर यू, बोलिए हाउ आर यू, हाउ आर यू आता है मेरे को। तो ये लोग मतलब उस समय बात जो करते थे तो हल्का हल्का समझ में नहीं आता था, वो लोग इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करते थे, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते। और यहाँ अपने 2-3 भाई लोग थे, आप तो थे नहीं भाई, एक विजय कुमार सैनी थे हमारे भाई, एक राशिद भाई थे, 2015 में आए थे ना। और हमारे गोविंद भाई तो खैर थे पहले से ही थे, रियान भाई अपने, तो ये सब लोग मेरे को थोड़ा 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 हमेशा बताते रहते थे कि अगर ये बोलना है तो ऐसे बोलो, या मैं इन लोग को इस चीज में को बोलते थे तो मैं इन लोग से पूछता था, इन लोग ने मेरे को ये बोल ले इसका क्या मतलब हुआ, दोस्त लोग से पूछते थे। हाँ, तो वो बताते थे कि उसने ये बोल लिया। देख लो ये हिंस दे रहे भाई जान, अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आपको भाषा में प्रॉब्लम होती है, अब तो खैर वीडियो का जमाना आ गया, पहले वीडियो तो था नहीं, अब तो खैर पहले कहाँ ये सब, पहले कहाँ कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं, आदमी वीडियो वीडियो भी है यूट्यूब पे आप देख सकते हो पुराने वीडियो। तो ये थी भाईजान की कहानी और इनकी ही जुबानी अभी तक फिलहाल, देखो भाई जैसा है। बाकी उस टाइम से लेके अब तक कफील में कोई फर्क? बिल्कुल नहीं, लोगों ने एक बात मेरे कफील ने बोला था उस समय, तो मान लो उसको तो वो अरबी बहुत फास्ट बोलता है अभी भी, कई चीज कई बार ऐसी बात बोलता मैं नहीं समझ पाता हूँ आज भी। अच्छा, उसको तो धीरे धीरे वो मेरे को बोलता है, शुरू में ही बोला गाड़ी देख ऐसे करके नहीं चलाना, जिस दिन पहली बार आए उस दिन से लेके आज तक में कफील के अंदर कोई चेंजिंग? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि और पहले से भी थोड़ा सा अभी ठीक ही रहता है। अभी ये बताइए आप जो जगह पे अभी है, आपके जगह पे पहले ही पुराना ड्राइवर था, उसकी क्या रवैया थी, उसको क्यों भेजा गया? भाई उसकी हालत, मैं जब शुरू में यहाँ पे आया ना तो अपने 3-4 भाई लोग जो थे, हरि भाई, राशिद भाई, उधर आसिफ भाई थे, ये सब मेरे को यही बोले कि तुम कहाँ आ गए यार, किसके घर पे आ गए, ये अच्छा कफिल नहीं है। हाँ सुन लो भाई, सुन लो समझे, मैंने कहा यार अब तो आ गए हैं। देखो होता क्या है कि इनके साथ तुम जैसा रहोगे ना ये तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे। सभी आप हो चाहे मैं भी आया था, मेरे को भी तो बोला था ना आप लोगों ने, यार तुम कहाँ आ गए, कैसा तो फील के बाद आ गए। पहले वाला जो था वो उसका हिसाब इन लोग के हिसाब के साथ नहीं मैच करता था, नहीं मैच करता था, करके उससे डेली तू मैं होती थी, डेली झगड़े होते थे। और वही उसको कहीं जाने आने नहीं देता था हमारे जो कफील। अभी देखो मैं आया हूँ तो अगर मैं कहीं भी जाना रहे आप तो साथ में कई बार कहीं भी गाड़ी तो भाई कहीं भी गाड़ी लेके चले जाते हैं, चल देता हूँ, मार्केट करना है, नाश्ता करना है, कुछ भी करना है, सवेरे कोई पूछे थोड़ी जाता है। रात के 12 बजे में भी कहीं जाना हो तो पूछ के, इनका कफील का बेटा है, पूछ के जाते भाई, ये बात तो है गारंटी है। देखो थोड़ा 2-4 किलोमीटर जाना है तो कोई बात नहीं, वो बोला है मेरे को इधर अगल बगल में जाना, महत्ता जाना है, इधर बकाला जाना, नाश्ता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा दूर जाना है तो थोड़ा फोन कर दिया, वैसे पूछ के ही जाना चाहिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए कि जब पूछ के जाते हैं तो बड़े रिलैक्स मूड में रहते हैं, ड्यूटी नहीं लगेगी। और अगर पूछ के नहीं जाते हैं ना और फोन आ गया तो थोड़ा सा जो है होता है कि यार क्या हो गया, क्या बोलूं। तो जब आप आए थे तब कितनी सैलरी थी? 1500 में अभी जाके आपकी 1700। अब सैलरी बढ़ेगा नहीं क्योंकि काम घट गया है। नहीं बढ़ेगा तो तो ये थी जमाल भाई की पूरी कहानी और आपको पता चल गया अभी फिलहाल जो था मैंने भाईजान ने शेयर कर दिया है। तो यही थी ना भाई, इसमें कोई मिलावट तो नहीं किया ना आपने? इसमें मिलावट क्या करेंगे, पब्लिक जो यूट्यूब पर वो आपके लिए बहुत ही अच्छा कमेंट करती है, बहुत अच्छा सोचती है। तो देखा हूं, मैं भी तो देखा हूं यार, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। यहाँ तो भाई लोग हमसे मिलने आ जा रहे हैं आजकल। क्या बोले, चलिए भाई ये था कहानी, तो आप लोगों को मैंने सुना दिया है कहानी। फिलहाल खाना पहले बना लेते हैं, इसके बाद हमें नमाज ही पढ़ने को जाना है, फटाफट खाना बना लेते भाई। नहा कर फ्रेश होकर रेडी हो चुके हैं, चलेंगे नमाज पढ़ने के लिए।
आप लोग तो नमाज पढ़ चुके होंगे, चलिए हम चलते हैं नमाज पढ़ने। खुतबा हो रहा है। गरीबों वाला कपड़ा यार, टोपी मेरा फेवरेट टोपी है ये। 5 साल हो गया होगा इस टोपी को, इसी को पहनता हूँ। ये है हमारे मंसूर भाई। मंसूर भाई कितना साल हो गया यहाँ आपको? 27 साल। 27 साल हैं? तो पूछ ले तुम्हें क्या बोलेगा यार। 28 साल मेरा उम्र है। कब? 1990 में आए थे? कब आए थे? 94 में। अल्लाह, बांग्लादेश से 94 में आए थे? अल्लाह, एक ही जगह पे है? हाँ, एक ही जगह, और घर नहीं गया ना। तो सलाम अलैकुम भाई, लोग नमाज पढ़ चुके हैं और अब भाई खाएंगे खाना। जमाल भाई आ रहे हैं फटाफट। टोपी पहनने का थोड़ा बाल बिगड़ जाता है, बट टोपी पहनने का चेहरा अलग भी दिखता है। फेवरेट टीवी चैनल मेरा NDTV, मेरा फेवरेट चैनल है। तो दोस्तों, जमाल भाई खाना पीना खा के चले गए और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अभी तक आपको पता चल गया होगा जमाल भाई की पूरी कहानी, जो उनका रियलिटी था उन्होंने खुद ही शेयर कर दिया आपके साथ में, खाना ही बनाते बनाते। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जमाल भाई की कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर बताना, क्योंकि मैं वो कमेंट जमाल भाई को सुनाऊंगा पढ़ करके। लाइक करना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। I need someone to hold my mind.